तो क्यों ना आज मैं आपको अपने फेवरेट रैकेट्स और अपने फेवरेट शूज के बारे में बताऊं जिनके साथ मैं गेम कर रहा हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ना वो मुझसे है, मुझसे रिलेटेड है, क्योंकि आज मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने खास अपने लिए मंगवाए हैं, क्योंकि मैंने आप बहुत अरसे बाद 3 साल बाद प्रोग्राम बनाया है कि मैं दोबारा बैडमिंटन गेम स्टार्ट करूं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि कमेंट्स में लोग ये कहना ना शुरू कर दें, मैं कोई बैडमिंटन प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई नेशनल नहीं खेला हुआ, ना ही कोई मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा खेला हूँ, तो सिर्फ लेजर प्ले के लिए खेलता हूँ। और अभी मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर मैंने मेंबरशिप ली है इस्लामाबाद में, और वहाँ पर मैं कंपो को, प्रोकैनिक्स को, और जो मेरे ब्रांड्स हैं बैडमिंटन के, उसको रिप्रेजेंट करूँगा एज ए मार्केटिंग। तो उसके लिए मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने लिए इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो यूजली हम पाकिस्तान में नहीं सेल कर रहे होते, क्योंकि इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये मैं अपने लिए मंगवाता हूँ और फिर अपनी ऑडियंस के साथ, अपने भाइयों के साथ ये रिव्यू भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास रैकेट्स हैं। इन रैकेट्स का जो नाम है वो अशोरा है। ये 2024 मॉडल है, अभी रिसेंटली कंपो ने लॉन्च किए हैं। ये शायद पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ इसका शॉर्ट सा जो रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, आज डिटेल रिव्यू उसका करेंगे। और एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कवर की बात करें तो कवर बहुत ही हाई क्वालिटी जो चाइनीज लेदर होता है, जिसे हम बोलते हैं ये आर्टिफिशियल लेदर होता है, उसके अंदर ये कवर बनाए गए हैं और बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा हैवी कवर है। आपको कवर देखने से ही लगता है कि बहुत ही कोई हाई एंड रैकेट होगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और अगर आप इसका डिजाइन देखें तो बहुत अग्रेसिव डिजाइन है, जैसे कोई मैट्रिक्स मूवी का सीन आप देख रहे हो, इस तरह का यहाँ इसका डिजाइन है। हम रैकेट की जिप खोलते हैं और अंदर आपको कुछ इस तरह की ये शेप के अंदर कवर मिल जाएगा, जिसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है और बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज इसके अंदर है, कुशनिंग दी हुई है ताकि आपका रैकेट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इसका ये ब्लू कलर है, बहुत ही स्लीक डिजाइन है। सबसे मजे की बात, जो नोटेबल चीज है इस रैकेट के अंदर, वो इसकी शाफ्ट है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे पतली शाफ्ट किसी भी ब्रांड की तरफ से बनाई गई है, जिसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, वो यूनिक्स है, और उसकी शाफ्ट है 6.1 mm, जो दुनिया में सबसे पतली शाफ्ट कहलाई जाती है। बिल्कुल उसी साइज की ये शाफ्ट है, 6.1 mm। अच्छा, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो 5.9 mm की शाफ्ट का भी क्लेम करते हैं, लेकिन ऑल दो उन ब्रांड्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता दुनिया में, तो इस वजह से जो रिकॉर्ड है अभी तक वो 6.1 mm शाफ्ट का है, जो सबसे पतली शाफ्ट है। और उस पतली शाफ्ट का क्या फायदा होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसकी बात करते हैं मटेरियल की, तो मटेरियल इसके अंदर 5T हाई मॉडुलस कार्बन ग्रेफाइट यूज किया गया है, जो कि टोरे इंडस्ट्रीज की तरफ से डिजाइन किया गया है, मटेरियल बनाया गया है। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो टोरे इंडस्ट्रीज है ये सिविल एविएशन में काम करती है, और उससे रिलेटेड जहाज बनते हैं, जो शिप्स बनती हैं, उसमें जो मटेरियल डिजाइन किए जाते हैं वो टोरे इंडस्ट्रीज की तरफ से डिजाइन किए जाते हैं। अभी कुछ ऐसे से वो रैकेट स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को अपना मटेरियल डेवलप करके प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें यूनिक्स भी आता है। तो 50T जो मैक्सिमम कार्बन की जो फॉर्म हो सकती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल हो सकता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मटीरियल हो सकता है कार्बन के अंदर, वो 50T है। अब टी क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें मैं आपको ये समझा दूंगा कि टी क्या होता है। तो खैर, 50T इसके अंदर मटेरियल यूज किया है, कार्बन ग्रेफाइट, हाई मॉडुलस कार्बन ग्रेफाइट। अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो फ्रेम बहुत यूनिक फ्रेम है। आपने बहुत सारे फ्रेम्स देखे होंगे जिनके अंदर स्वॉट फ्रेम आता है, ओवल फ्रेम आता है, ये बॉक्स फ्रेम आता है, तो ये आप कह सकते हैं कि डबल हाइब्रिड फ्रेम है। कंपो के कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जिनके अंदर हाइब्रिड फ्रेम्स आते हैं, जैसे स्वॉट फ्रेम और जो ओवल फ्रेम है उसको मिला के फ्रेम बनाया गया होता है, या बॉक्स और ओवल को मिला के बनाया गया होता है, दो टेक्नोलॉजीज को मिलके एक फ्रेम बनाया गया होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस फ्रेम के अंदर तीनों टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए फ्रेम को डिजाइन किया गया है। अगर आप इसका टॉप वाला, जहां से ये एज बनता है और जिस एज की वजह से ये आइसोमेट्रिक कहलाता है, अगर उसको देखें तो ये बॉक्स फ्रेम नजर आता है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो ये ओवल फ्रेम नजर आता है, और अगर आप यहाँ पे देखना शुरू करें तो आपको ये स्वॉर्ड फ्रेम, यहाँ से आपको बाहर शार्प नजर आएगा, स्वॉर्ड फ्रेम नजर आता है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो थर्मल फोमिंग की गई है, अब थर्मल फोमिंग जो है वो टॉप एंड मॉडल जो है उनके अंदर ही की गई होती है, जैसे नैनोरे 1000Z है उसके अंदर की गई होती है, या ऑस्ट्रोक सीरीज है उसके अंदर की गई है, मैं यूनिक्स की बात कर रहा हूँ, यूनिक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी थर्मल फोमिंग की गई है शाफ के अंदर, क्योंकि शाफ हालो होती है, उससे होता ये है कि जब आप शॉट खेलते हैं जो भी शॉक होता है वो जो फोम इसके अंदर होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और आपकी रिस्ट के अंदर या आपके बाजू के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको टेनिस एल्बो या आपको ये शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर हम इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका बैलेंस पॉइंट जो है वो 305 और से 310 के दरमियान है, यानी एक्सट्रीमली हेड हैवी है, तो ये ऑफेंसिव रैकेट है,
हेड की तरफ ज्यादा वेट है, जिसकी वजह से आप इसको पावरफुल रैकेट समझ सकते हैं। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो वेट ये 4U में आपको मिल जाएगा, 82 प्लस माइनस 2 ग्राम 4U कैटेगरी का है। और अगर हम टेंशन की बात करें तो ऐसे रैकेट्स में टेंशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आप जितनी भी टेंशन कर रहे हैं ये इजिली बियर करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि कंपनी क्या आपको सजेस्ट कर रही है कि अगर ये टॉप एंड का कोई प्लेयर जो है वो इस रैकेट को यूज कर रहा हो तो उसको क्या टेंशन उसको सजेस्ट करती है कंपनी ताकि इस रैकेट से वो मैक्सिमम आउटपुट ले सके, तो वो है 32 LBS। 32 LBS पे ये मैक्सिमम आउटपुट देगा, लेकिन मैं इस रैकेट को 27 पे करके खेलूंगा। और आप हैरान हो रहे होंगे कि 27 तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन 27 भी बहुत ज्यादा है। अब 27 पे करने के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसका साउंड सुनाऊंगा और उसका स्ट्रोक भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये इसकी इस कलर के अंदर है। अगर इसके दूसरे कलर की बात करें तो कि बहुत ही प्यारा कलर है। अगर हम दूसरा कलर देखें तो दूसरा कलर बहुत प्यारा कलर है, व्हाइट के अंदर आ जाता है। वो ब्लू बेस है, ये व्हाइट बेस है, बाकी सारा डिजाइन सब स्पेसिफिकेशन सब टेक्नोलॉजी सेम है, सेम मॉडल है, सेम नेम है, एवरीथिंग जो है बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह उस रैकेट की है, लेकिन सिर्फ कलर का डिफरेंस है। ये व्हाइट में आ जाता है, वो ब्लू में आ जाता है। मैंने एक रैकेट व्हाइट के अंदर मंगवाया है अपने लिए और एक रैकेट ब्लू के अंदर मंगवाया है। वैसे मेरी ट्राई है कि 4 रैकेट्स आपके पास होने चाहिए जो सेम मॉडल के हों, ताकि अगर आप गेम कर रहे हो स्ट्रिंग टूट जाए रैकेट टूट जाए तो आपके पास बैकअप में हो। 2 रैकेट्स अभी मैंने मंगवाए हैं, 2 रैकेट्स मेरे अभी और आ जाएंगे। तो ये इसका दूसरा कलर है। और इसके बाद मैं आपको शूज दिखाता हूँ, जो शूज मैंने अपने लिए मंगवाए। एक शूज मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ कंपो का, वो भी हम नॉर्मली सेल नहीं करते, वो अभी किट बैग में है। तो इनशाला मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप कमेंट में मुझे कहेंगे। वो भी टॉप मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल है, वो जो है वो परफॉर्मेंस सीरीज के अंदर है, ये लाइट वेट सीरीज के अंदर शूज है। सबसे पहले अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी किस्म की पैकिंग है, और शूज इसके अंदर बड़ा आपका कॉम्पैक्ट और महफूज रहता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर तो इतना ज्यादा कन्वीनियंट है ये पैकेजिंग कि आप इसको पकड़ते हैं तो यहाँ से आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको फ्लिप करके यहाँ पे खोलेंगे और ये आपको बॉक्स यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगी, और ये बॉक्स के अंदर आपको इस तरह शूज मिलेगा। मेरा जो कलर्स है स्पोर्ट्स के अंदर, मैं वैसे नॉर्मली अगर शूज पहनूं तो जो कलर है वो मैं देखता होता हूँ कि कौन सा कलर पहनने वाला ये नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर जो कलर मिले मैं पहनता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट एनर्जी और एनर्जी जो है वो कलर से ही आती है। तो आपको मैक्सिमम कलर यूज करना चाहिए, इसमें ज्यादा चूजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी चॉइसेस भी होती हैं। ये स्पेशल शूज जो है ये मैंने व्हाइट कलर में मंगवाया था, क्योंकि व्हाइट और ब्लू के अंदर ये बहुत ही प्यारा शूज लग रहा है। अभी चेक करें, सबसे मजे की बात ये है कि ये इसका सोल जो है वो हाइब्रिड है, इसमें सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। वो किस तरह यूज की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप क्लोजअप में देखेंगे तो इसके अंदर ये मेमोरी फॉर्म यूज किया गया, तो ये बिल्कुल अलहदा है, और ये वाला जो सोल है ये अलहदा है। ये मेमोरी फॉर्म यूज किया गया है इसके अंदर, जो कि ये आपके पाँव को इंतहाई कंफर्टेबल बनाता है। आप जब जंप करते हैं तो ये सारा शॉक जो अब्सॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये रिलीज करेगा। उसके बाद ये इसका सोल है जो कि इंतहाई नरम है, और आप लिटरली इसको अपनी उंगलियों की मदद से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। ये जेल सोल है। अब जेल सोल में आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है कि कंपनी जब पहली दफा आपने किसी चूज में जेल सोल यूज किया था वो ट्रांसपेरेंट था, तो वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और उस सोल के अंदर कोई कलर भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन जेल सोल जो है वो कंपो की टेक्नोलॉजी है। अक्सर ये होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी भी अच्छे सोल को जेल सोल कह देते हैं, लेकिन कंपो का जो शूज है वो जेल सोल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूनस के अंदर पावर कुशन आता है तो कोई और ब्रांड उसको पावर कुशन नहीं कह सकता। तो जेल सोल के अंदर इसका सोल आ जाता है जो इंतहाई जो है वो एंटी स्लिप है, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होगी। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो डुअल आपको कार्बन शीट्स मिल जाएंगी केवलार के अंदर, जो आपके पाँव को प्रोटेक्ट करेगी, जो आपके पाँव का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। ये आपका पाँव है, ये आपकी एडी है, ये फिंगर्स है, और ये जो कर्व वाला पोर्शन होता है ये वाला, ये सबसे सॉफ्ट होता है और सबसे जल्दी डैमेज होने का खतरा होता है। उसके नीचे जितने भी ब्रांड्स हैं वो कोई ना कोई प्रोडक्शन डालते हैं, तो इसके अंदर उन्होंने कार्बन प्लेट्स डाली हुई हैं जो आपके पाँव को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद अगर आप बैडमिंटन शूज के अंदर ये देखते हैं तो यहाँ पे शूज काफी सख्त होता है, यहाँ पे भी प्लेट डाली हुई होती है, कार्बन प्लेट होती है या प्लास्टिक की प्लेट होती है, वो आपके एंकल को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो ट्विस्ट नहीं करे और आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। यहाँ पे आपको मैश मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको मैश मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कंपो की ब्रांडिंग मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे देखें तो। और उसके बाद यहाँ पे पूरा एक वेंटिलेशन सिस्टम है, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है। लिटरली अगर आप इसके ऊपर पाउडर फेंक के शूज डालते हैं और जंप करते हैं तो आपको पाउडर उड़ता हुआ नजर आएगा। ये एक्सपेरिमेंट भी इंशाल्लाह जल्दी हम आपके साथ करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो प्रॉपर वेंटिलेशन है, आपको पसीना जो आएगा आपका पाँव ब्रीथेबल रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम रहेगी। इस शूज के साथ प्रॉब्लम एक मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मसाज गन है। ये मैं रिसेंटली अभी चाइना था तो मैंने सोचा कि अपनी मदर के लिए मुझे कुछ ना कुछ बाय करना चाहिए, तो मैंने अपनी मदर के लिए एक बाय किया और ला के उन्हें दिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने पर्सनली यूज़ किया, एक दफ़ा मुझे टांग में पेन थी तो मुझे बड़ा आराम मिला, मैंने अपनी वाइफ को वो यूज़ करवाया, उनको बड़ा अच्छा लगा।
फिर उसके बाद देखा देखी जितने भी जानने वाले थे उनको ये बहुत पसंद आया, तो अभी मैंने सबको ये मंगवा के दिए हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग करें तो अनबॉक्सिंग के अंदर आपको बहुत छोटी सी मिनी सी गन मिलेगी। ये बड़ी बड़ी गन्स भी आती हैं मसाज गन्स, लेकिन ये बड़ी कम्पैक्ट है। इसका फायदा ये है कि आपके हाथ में आ जाती है एक तो, और आप किसी भी बैग में इसको कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में कैरी कर सकती हैं लेडीज। और इसके अंदर चार तरह के आपको मसाजेस मिल जाएंगे, मसाज गन मिल जाएंगी। एक ये है सर्कुलर, और उसके बाद ये वाला आ जाता है, और उसके बाद ये थोड़ा सा फ्लैट आ जाता है, और उसके बाद ये पेन होल्डर आ जाता है, ये इस तरह। तो आप डिपेंड करता है कि आपके पेन कहाँ पे है और आपने कौन सा यूज करना है। उसके बाद चार स्पीड्स हैं इसकी, आप यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ पे चार तरह की लाइट्स हैं। एक दफा प्रेस करेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मैक्सिमम स्पीड पे जाता है ये, और एक दफा चार्ज करने पे ये 3.5 से 3 घंटे इजीली चलता है। और ये जैपनीज टेक्नोलॉजी है, चाइनीज टेक्नोलॉजी नहीं। कंपो ब्रांड जैपनीज ब्रांड है, तो उन्होंने स्पेशली ये मसाज गन जो है ये जापान से डेवलप करवाई है। बहुत दुनिया में ब्रांड ऐसे हैं जो ये बना रहे हैं, आप हर जगह ये देख रहे होंगे, क्योंकि ये वाकई एक इफेक्टिव चीज है। लेकिन क्या जो मसाज गन आप बाय कर रहे हैं वो वर्थ इट है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो 1.5-2 महीने बाद उसकी बैटरी खराब हो जाएगी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी मोटर में मसला आ जाएगा? तो ऐसा इसमें नहीं है। ये भी है, ये मैंने अपने लिए मंगवाई थी ताकि आप गेम करने के बाद थोड़ा सा आप मसाज कर लेते हैं तो आपके मसल जो है वो फ्रेश अप हो जाते हैं। मैं प्राइजेस की बात करता हूँ, और लास्ट में जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर हम रैकेट की बात करें तो ये रैकेट 36,000 का आपको मिल जाएगा, लेकिन ये हमारे पास स्टॉक में नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव रैकेट्स हमें कंपनी से जब भी ऑर्डर करने होते हैं, हम 300 से ज्यादा पीसेस ऑर्डर कर रहे होते हैं पर मॉडल, तो हम 300 पीस नहीं ऑर्डर कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव रैकेट है, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा सेल नहीं है। तो आप में से अगर कोई बाय करना चाहता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने का तरीका ये है कि आपने info@utech.tk पे ईमेल करनी है। कोई भी कॉम्पो का ऐसा प्रोडक्ट जो हम यूजली नहीं सेल करते लेकिन आपको चाहिए, आप उसकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं। मंगवाने का तरीका ये है कि आपने उसकी 30% पेमेंट हमें एडवांस करनी होगी, हम 15 दिन के अंदर अंदर चाइना से बाई एयर इम्पोर्ट करके आप तक वो पहुंचा देंगे। आप इसकी पतली शाफ्ट है, पतली शाफ्ट आपको पता है कि बहुत ज्यादा मोमेंटम जनरेट करती है और आप बहुत ज्यादा रैकेट को एग्रेसिव बना देती है। अगर आपने ये रैकेट ऑर्डर करना है 36,000 का, आप 30% हमें एडवांस पेमेंट करेंगे। कोई भी आपको कलर चाहिए, कितने भी पीसेस चाहिए, ईमेल में बताएं, कंफर्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अब हम शूज की बात करें तो ये शूज जो है ये 45 साइज के अंदर है। जो इससे पहले वाला शूज मैं यूज कर रहा था वो टॉप एंकल शूज था, यानी उसके लेसिस जो है वो ऊपर तक आते हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। वो मेरा मुझे 45 आया था, तो ये भी मैंने अपने लिए 45 मंगवाया, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बड़ा है, मैंने यूज नहीं किया, एक दफा भी कोर्ट पे पाँव नहीं रखा, तो ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ। अब इसको बाय करने का तरीका ये है कि आपने ईमेल करनी है, और ईमेल करके जो पहले इसको बाय करना चाहेगा, जो पहले मैसेज कर देगा उसको हम सेल कर देंगे। और इसकी नॉर्मल जो प्राइस है वो 32,000 है, लेकिन आप अगर ये बाय करना चाहेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने लिए मंगवाया था, मुझे साइज पूरा नहीं आया, तो आपको 24,500 रुपये का ये शूज़ मिल जाएगा। ये बहुत ही लाइट वेट और टॉप एंड मॉडल है कंपो का, ये आप बाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ये गन जो है अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी मंगवाना चाहते हैं, उनको गिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक बहुत बेहतरीन किस्म का गिफ्ट हो सकता है। इसकी कीमत 12,000 रुपये है। ये भी बिल्कुल आपको इसी तरह आपको 30% डिपोजिट जमा करवाना होगा और हम आपको 15 दिन के अंदर अंदर मंगवा लेंगे। शूज़ फिलहाल आप अभी बाई कर सकते हैं, शूज़ आप प्री ऑर्डर्स पे नहीं ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर हमें बाई एयर मूव करना होता है और ये काफ़ी बड़ा पैकिंग होती है, काफ़ी वेट हो जाता है पैकिंग के समेत, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। लेकिन शूज़ के अलावा कोई भी रैकेट चाहिए, कोई भी और चीज़ चाहिए आपको, आप मंगवा सकते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी। आपने सिर्फ 30% उसके डिपॉजिट जमा करवाना है और उसके बाद आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना किट बैग आपसे शेयर करूँ और बताऊँ कि कौन सा किट बैग मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस किट बैग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मैं कैरी करता हूँ, कौन कौन से इक्विपमेंट कैरी करता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं अपना किट बैग का रिव्यू आपको दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।